नमस्ते ब्रजेशारी वीडियो, आपका स्वागत है। आज खड़े इंडियन हैचबैक के सामने जिसका नाम है मारुति सुजुकी इग्निस। ये बेस वेरिएंट आप देख रहे हैं सिग्मा, चार वेरिएंट में आती है, सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा के नाम से, और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है भाई। ये 6 लाख रुपये का आपको ऑन रोड मिल जाता है। ये 6 लाख रुपये के अंदर आपको ऑन रोड मिल जाएगा। काफ़ी पूरे फीचर हैं इस गाड़ी के अंदर 6 लाख रुपये में। अब आइए एक एक से बात करते हैं। इसके अंदर स्मोकी दोनों हेडलाइट मिल जाते हैं, चार आपको इस मतलब सिग्नेचर ग्रिल मिल जाती है। आप देख सकते हैं चारों आपको सिग्नेचर ग्रिल, बीच में सुजुकी का लोगो देखो, ग्रिल देखो कितनी अल्टीमेट लगती है। 2 वाइपर मिलेंगे आपको, बड़ा विंडशील्ड एरिया, मतलब अल्टीमेट लुक है भाई। एक SUV वाली जो लुक आती है ना, वो इस गाड़ी के अंदर है। टायर साइज की बात करें, टायर आपको 15 इंची के टायर, ओहो क्या बात है भाई, 15 इंची के टायर, रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है सुजुकी का, बीच में कप कैप वाला लोगो, फेंडर पर 10 इंडिकेटर। अब आप देख सकते हैं SUV वाला लुक तो इसके अंदर ये मजा बांध देता है भाई। बॉडी कलर ORBM कहाँ ब्लैक कलर के मिलते हैं बेस में, बॉडी कलर के आप देख सकते हैं। मतलब इसकी लेंथ वगैरह काफ़ी बढ़िया आती है, शिफ्ट वगैरह काफ़ी ऊंची गाड़ी, लेकिन इतने सेगमेंट में आती है 180 mm। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर मिलता है, ये आप देख सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा जो क्वालिटी है ना मारुति नेक्सा के अंदर, जो 3D लाइन पे बनी हुई है, 3 लाइन है, वो और काफ़ी अल्टीमेट मिलती हैं मुझे। ओहो क्या बात है। इसकी टेल लाइट देख सकते हैं आप, टेल लाइट क्या अल्टीमेट बनी हुई है इसकी। आप देख सकते पीछे का ये सुजुकी का बड़ा सा लोगो, पीछे का इंटीरियर है ना, मुझे काफ़ी ब्रॉड लगता है इस गाड़ी का, काफ़ी अल्टीमेट सा लगता है मुझे तो। ये विंडशील्ड एरिया, पीछे वाईफाई डिपो वगैरह इसके अंदर नहीं मिलता, नेक्सा की बैजिंग इसके अंदर मिलती है, इग्निस की बैजिंग, और बड़ा ऐसा बड़े को इग्निस की बड़ी सुजुकी का लोगो, लाइसेंस प्लेट की जगह, मतलब काफ़ी मज़ेदार गाड़ी बनाई है भाई मारुति ने। 4 पार्किंग सेंसर आप समझो, 4 पार्किंग सेंसर कोई गाड़ी के अंदर नहीं आते। फ्यूल टैंक एरिया 35 लीटर का फ्यूल टैंक एरिया मिलता है आपको। आप पीछे की इधर की साइड देख सकते हैं कितनी बड़ी लंबी चौड़ी लगती है गाड़ी, 35 लीटर फ्यूल टैंक एरिया मिलता है आपको। पेट्रोल इंजन के साथ आती, बड़े टायर, टायर ग्लेडिंग्स के अंदर सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। आप मतलब काफ़ी मुझे है ना ये गाड़ी काफ़ी अल्टीमेट लगती है भाई, प्यारी, सुंदर, अच्छी, सोबर, बढ़िया गाड़ी लगती है भाई, अल्टीमेट। फ्रंट से तो SUV लगती है, मिनी SUV भाई फ्रंट से तो ये गाड़ी। अब आप देख सकते हैं इधर के, आइए बूट खोल के देखते हैं बूट कितने लीटर के अंदर नहीं आता। इसके अंदर आता है भाई 260 लीटर का बूट स्पेस आता है, बढ़िया, काफ़ी अल्टीमेट बूट स्पेस है भाई इसका, मैं ये कहता हूँ, बहुत प्यारा बूट स्पेस, 260 सेगमेंट भाई, बढ़िया। इसकी टूल किट वगैरह, आइए स्पेयर व्हील देखते हैं, स्पेयर कितने इंची का मिलता है। ओहो स्पेयर व्हील आपको 15 इंची का मिलेगा भाई, वाह क्या बात है मारुति, मज़ा बांध दिया आपने, ये बढ़िया है। लाइट लैंप वगैरह इसके अंदर नहीं मिलता भाई, हुक हुक वगैरह इसके अंदर मिल जाए, ओहो क्या बात है। पकड़ने का हैंडल भी इसके अंदर दिया गया है, क्या बात है, ये सारी चीज़ें दी गई। टैंक तो आप देख ही लिया, आइए ये 3D एक्चर है, मुझे काफ़ी अल्टीमेट लगते हैं भाई। आइए पीछे ब्लैक थीम, वाह क्या बात है। बस इसके अंदर 2 पावर विंडो अखरती हैं भाई पीछे वाली, वो आप लगवा सकते हैं, पार्ट वैसे 5000 रुपये के अंदर 2 लग जाती हैं, 5000, मतलब जब तो अब मार्केट सब कुछ लगता है। मैं आपको बताऊँ ये सीट और एड्रेस भी आपको फिक्स मिलते हैं, हालाँकि एडजस्टेबल नहीं मिलते। बेंच टाइप आपको सीट मिल जाती है, फैब्रिक सीट कवर, डुअल टोन सीट कवर मिलेंगे आपको, ये आप देख सकते हैं डुअल टोन के अंदर सीट कवर मिलते हैं आपको, ये आप तो समझ सकते हैं। सीट बेल्ट वगैरह आपको सारी चीज़ें इसके अंदर पीछे मिल जाती हैं, वाह। आइए को ड्राइवर साइड और खोल के देखते हैं, को ड्राइवर साइड आपको पावर विंडो मिलेगी, काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से ना ये गाड़ी काफ़ी ब्रॉड लगती है, गाड़ी बड़ी गड़ी गाड़ी लगती है, खुले से बैठते हो इस गाड़ी के अंदर। AC बैंड, मोबाइल वगैरह रखने के लिए जगह, बस म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर नहीं आता, वो आप मार्केट से 8-10 हज़ार रुपये का चारों चीज़ लग जाता। वाह देखो अंदर भी दी गई है थीम, जो सिल्वर डायमंड जो उसमें सिल्वर कलर किया जो आती है ना गल मेटल वाली, वो उसके अंदर भी दी गई है। ड्राइवर साइड और खोल के देखते हैं, तो ड्राइवर साइड आपको 2 पावर विंडो मिलेंगी, वाह क्या बात है। इसके अंदर एक चीज़ काफ़ी मिल गई, सेंटर लॉकिंग मिल गई भाई, मैनुअल सेंटर लॉकिंग इसके अंदर भी है भाई, ये देख सकते हैं आप, मैनुअल सेंटर लॉकिंग इसके अंदर आती है। ये देखो सीट काफ़ी अच्छी है, विंग प्लेट इसकी HIC वगैरह इंजन वगैरह नंबर लिखा हुआ, टाइप एस इन्फॉर्मेशन ये आप देख सकते हैं भाई। स्टेयरिंग जो लगती है ना सिल्वर ट्रीटमेंट वाला जो इसके अंदर वर्क हुआ है, वो मुझे काफ़ी अल्टीमेट लगता है। 3 पैडल डेड पैडल के इसके अंदर आता है, ये आप देख सकते हैं स्टेयर अंदर बैठ चुके हैं। स्टेयरिंग व्हील 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलता है इसका, इसकी MID बस ये है, इसके अंदर वो नहीं आता टैकोमीटर इसके अंदर, लेकिन सारी चीज़ आता है, गियर इंडिकेटर, माइलेज वगैरह सारी चीज़ें ये दिखाता है, ट्रिप A ट्रिप B वगैरह सब चीज़ दिखाता है। 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील,
ये मैनुअल एसी, एसी भी काफ़ी इस गाड़ी का काफ़ी फंटास्टिक है। मैं आपको बताऊँ बढ़िया वाली हज़ार लाइट के लिए बटन, म्यूजिक सिस्टम वाला बटन आप दो लगवा सकते हो, अपना टू डी नो म्यूजिक वाला जौन सा, ये अपनी जगह दी गई है। तो ये भी काफ़ी अच्छी गाड़ी बनाई भाई मारुति ने, कुछ सोच समझ के बनाई कि गाड़ी बनाओ तो ऐसी बनाई। स्टीयरिंग क्लस्टर काफ़ी सारे फीचर हैं इसके अंदर, एक्चुअली क्या बैटरी डिस्चार्ज है तो वो थोड़ा सा माइंड कर लेना, सारे फीचर हैं इस गाड़ी के अंदर। अगर आपको नियर बाय आप जाना हो तो आप चले जाना, इसका देख सकते हैं ये एसी कंसोल वगैरह, ये फाइव स्टार गियरबॉक्स आप देख सकते हैं, ये हैंड ब्रेक ब्लैक कलर का ही, मतलब बहुत अच्छा चीज़ दी गई है। ग्लो बॉक्स वगैरह भी आप देख सकते हैं इसका, काफ़ी डीप ग्लो बॉक्स है अंदर तक ग्लो बॉक्स। अगर आप जेटा वाली वीडियो देखी तो जेटा वाली वीडियो भी देख लेना आप जाके। ये इसका सनसेट बेंटी मिरर आपको मिलेगा, वाह वाह वाह, इसकी रीडिंग लाइट क्या बात है क्या बात है, टिकट होल्डर वगैरह के साथ चीज़ें सारी चीज़ें अंदर इसके अंदर आती है। इसकी तो की आती है मैनुअल की आती है, सेंट्रल की यहाँ पे की लगाओ, अपनी सेल्फ लगाओ, चलते रहो भाई। मैं ना इस गाड़ी सर्टिफाइड हूँ भाई, क्यों भाई 6 लाख रुपए के अंदर है ना इस गाड़ी ने पूरा मज़ा बांध दिया एसयूवी का भाई। जिसको फीचर नहीं चाहिए वो नहीं लेता है, भी मैजस्ट वगैरह करने के लिए सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। आइए आप बोनट खोल के देखते हैं कितना कैसा क्या सीसी मिलता है, कौन सा इंजन मिलता है, कैसा मिलता है, क्या सीसी देता है, क्या पावर देता है, सारी चीज़ें देखते हैं। आओ बोनट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी इस गाड़ी की अच्छी लेकिन 3 स्टार है वो भी आप समझ लेना। तो ये है भाई 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन नेचुरल के सीरीज़ वाला, जो बलिनो वगैरह स्विफ्ट से लेके बलिनो वगैरह सब में यही आता है, सारी चीज़ें यही। पावर फिगर की बात करें 83 bhp पावर जनरेट करता है ये, 193 का टॉर्क और सारी चीज़ें, मतलब सब चीज़ें दी गई हैं इसके अंदर। ABS EBD वगैरह सारे 2 एयरबैग दिए गए हैं, मतलब ABS EBD तो यही आपको मिलता है, 2 एयरबैग ही मिलते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर मैंडेटरी करी दी है। बस ये गाड़ी है, चल वीडियो पसंद है ना चलो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और नए हो तो लाइक करके जरूर जाना, वीडियो कैसे लिए कमेंट जरूर बताना। वीडियो तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।